आज से एक अंधे का डर बनूंगा। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे देवरा के 8वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे इस फिल्म के अब तक के टोटल इंडियन नेट ग्रॉस ओवर से सर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस फिल्म ने अपने पहले दिन हिंदी वर्जन में 7,65,00,000 का कलेक्शन किया था तो अपने पहले वीकेंड में 29,05,00,000 का कलेक्शन किया था। अपने चौथे दिन में 4,30,00,000 का, 5वें दिन में 4,75,00,000 का, वहीं 6वें दिन में गांधी जयंती के नेशनल हॉलीडे होने के चलते अच्छा ग्रोथ किया और 6वें दिन में 7 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं फिल्म ने अपने 7वें दिन मैंने गुरुवार के दिन में लगभग 3,10,00,000 का नेट कलेक्शन किया है, जिससे इस फिल्म के 7 दिनों को टोटल हिंदी नेट कलेक्शन 48,20,00,000 हो चुके हैं। तो ऑल इंडिया में इस फिल्म ने अपने पहले दिन 86,70,00,000 का कलेक्शन किया था तो अपने पहले वीकेंड में 171,80,00,000 का कलेक्शन किया था। अपने चौथे दिन में 14 करोड़ का, 5वें दिन में 14,65,00,000 का, 6वें दिन में गांधी जयंती के नेशनल हॉलीडे होने के चलते फिल्म ने अच्छा ग्रोथ किया और 21,72,00,000 का कलेक्शन किया। वहीं फिल्म के 7वें दिन के कलेक्शन में बड़ी गिरावट दिखी क्योंकि वर्किंग डे था और अपने 7वें दिन मैंने गुरुवार के दिन में लगभग 8 करोड़ का कलेक्शन किया है, जिससे इस फिल्म के 7 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 230,17,00,000 हो चुका है। तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 274,30,00,000 हो चुका है। फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 76,30,00,000 कलेक्शन किया है। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 7 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 350,60,00,000 हो चुके हैं। बात करें दोस्तों इस फिल्म के 8वें दिन की कलेक्शन की तो ये फिल्म अपने 8वें दिन में हिंदी वर्जन में लगभग 2.5 से 3 करोड़ के रेंज में कलेक्शन करने वाली है, ऑल इंडिया में लगभग 6 से 8 करोड़ के रेंज में कलेक्शन करने वाली है। आपको बता दूं कि फिल्म का थिएट्रिकल बजट लगभग 185 करोड़ है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में फाइनली हिट साबित हो चुकी है। वहीं बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की तो इस फिल्म को 6.5 रेटिंग मिले। फिल्म ने पहले दिन जैसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओपनिंग की तो उसे देखकर लग रहा था कि ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में आराम से 500 करोड़ का कलेक्शन कर लेगी, लेकिन अब वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में 500 करोड़ का कलेक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में 500 करोड़ कमा पाएगी या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।